नमस्कार दोस्तों, आज हम डेफनबेकिया प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसकी कटिंग कैसे लगाई जाए, तो देखिए ये प्लांट मेरा लैगी हो रहा है, काफ़ी लंबा हो चुका है, शेप इसकी बिगड़ गई है, इसलिए हम इसको काट कर यहाँ से एक प्लांट और बना देंगे। देखते हैं इसकी कटिंग कहाँ से लेनी है। ये देखिए नोड एरिया के नीचे से हम इसे कट कर लेंगे, ये काट लिया है मैंने। ये देखिए एक नोड यहाँ है इसकी, और एक ये है, ये भी नोड है इसकी, एक इधर है, तीन नोड हैं इसकी, और शायद कोई और भी होगी, एक ये है, चार नोड हैं। ये आराम से चलेगा, इसको हम वेल ड्रेन्ड सोयल में लगा देंगे। सूखा हुआ पत्ता मैंने निकाल दिया है, अब हम इसमें मिट्टी में, मैंने रेत ज़्यादा लिया है, इसमें हम इसको लगाएंगे। आपके पास फंजीसाइड है तो वो भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ही अपनी जड़ बना लेगा, क्योंकि हमने कम से कम तीन नोड इसकी मिट्टी में दबा दी है। अब साथ साथ हम इसको पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, और वैसे भी इसको कम से कम पानी देना है हमने। इसकी मिट्टी बिल्कुल, ये देखिए मेरी पिछली मिट्टी बिल्कुल सूखी है, कम से कम 3 इंच मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही इसमें आप पानी डालें। अब हम इसे शेडी एरिया में रख देंगे, और कुछ दिन के बाद इस इनडायरेक्ट लाइट में हमने इसको रखना है, सनलाइट में नहीं रखना। सुबह की चाहें तो 1 घंटे की धूप इसे दिखा सकते हैं, वरना इसे इनडायरेक्ट लाइट में रख दीजिए, ये अच्छे से चलेगा। मिट्टी मैंने वेल ड्रेन ली है, और पानी हमें इसमें कम से कम डालना है। आप चाहें तो इसी प्लांट से एक पौधा और बना सकते हैं, जैसे ये एक नोड इधर है, एक इधर है, इधर है, इसके पास से भी आप काट कर इसे एक और प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए एक नोड ये है, और इसका मुंह हमें ऊपर की तरफ ही रखना है, वरना हॉरिजेंटल भी हम इसको लगा सकते हैं। अगर समझ ना आए आपको तो हॉरिजेंटल भी लगा सकते हैं। एक नोड एरिया ये है, एक ये है, तीन नोड एरिया हैं इसमें, हम एक और गमले में इसको लगा दें। इसको मिट्टी से हम ढक देंगे, अब इसमें भी हम पानी डालकर छोड़ देंगे। कुछ ही दिन में ये जड़ बना लेगा और नया प्लांट बन जाएगा। इसमें से भी निकल आएंगे प्लांट्स हमारे, इसके साइड से निकल आएगा। देखिए यहाँ नोड एरिया है, ये तो एक तैयार हो ही गया, तीसरा ये। आप भी ऐसे ही करिए, कटिंग से चल सकता है वो तो उसकी कटिंग करिए और दूसरे गमले में लगाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।